नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत शाहीन बाग से, जिसका रास्ता अब भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शन 2-2 कह दिया कि पहले सड़क खाली हो। उन्होंने प्रदर्शन के लिए अलग जगह की पेशकश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे ठुकरा दिया। हम आपको बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई है और उस दिन वार्ताकारों को अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है। उससे पहले 3 बार आपको बता दें संजय हेगड़े साधना रामचंद्रन के साथ शाहीन बाग जा चुके हैं, वहां पर प्रदर्शनकारियों से बात कर चुके हैं और आज चौथी बार साधना रामचंद्रन अकेले पहुंची शाहीन बाग, जहां पर सुबह से लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास प्रदर्शनकारियों से उन्होंने बातचीत की और ये कहा कि पहले आप लोग सड़क जो है खाली करें, रास्ता खाली करें ताकि ट्रैफिक आ जा सके, उसके बाद किसी तरह की बातचीत होगी, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। चौथे दौर की बातचीत में एक चेहरा नदारत रहा और एक नया चेहरा जुड़ गया। आज वार्ताकार साधना रामचंद्रन बिना संजय हेगड़े के यहां पर पहुंची। आज उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता सईदा सैयदीन हमीद पहुंची थी। हम जानते हैं सबसे बड़ी मांग आपकी सिक्योरिटी वाली है। हम कोई ये नहीं कह रहा कि आप शाहीन बाग छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, और अगर आप ये नहीं समझ रही हैं तो मुझे और कुछ नहीं कहना है कि आप इस रोड को खाली कर रहे हैं। अभी हम तो सिर्फ आधी रोड की बात कर रहे थे कल, और जब जिसमें आपने अपनी सिक्योरिटी की बात की, ठीक है ना, कल हमने आधी रोड की बात की थी और आपने अपनी सिक्योरिटी की बात रखी थी, बात सही है ना? और हमने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि आप शाहीन बाग छोड़ दें कहीं और चले जाएं। हमने कभी कहा कि आप रामलीला ग्राउंड चले जाएं। हमने कहा शाहीन बाग बरकरार रहे। सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है, कल जो हमने बात की थी इस रोड की, वो बात हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे। जब तक सिक्योरिटी बहनों की नहीं होगी, वो भी लिखित में, तब तक वो भी नहीं रोड खुलेगी। आगे मैम, आखिर कल सड़क तो खुला था ना, ये दिल्ली पुलिस वालों ने सड़क क्यों बंद किया ये आपको पूछिए। नहीं, 9 नंबर वाला देखो, 9 नंबर वाला रोड हम भी चाहते हैं कि खुल जाए, अब पर ये सड़कें नहीं खुलेगी। अभी नहीं खुल सकते, नहीं खुलेगी। मैं तो कह रही थी आगे के लिए, हमेशा के लिए आप लोगों की यहाँ शाहीन बाग में एक बहुत खूबसूरत बाग बनना चाहिए, जिसमें हर हिंदुस्तानी का हक होना चाहिए कि वो आगे आंदोलन कर सके। मैं कह रही हूँ, और ये आपके सामने बात है, और ये जो मैं कह रही हूँ ये आपके सोचने की बात है, बात की बात। जब ये आंदोलन ये खत्म हो जाए, जब आप चाहें आपकी तरफ से इस तरह की मांग आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट को रखेंगे ये वाली मांग, लेकिन आज की बात नहीं हो रही है ये। लेकिन इस तरह की गलत तैयारियां जो है आपके आंदोलन को तोड़ती है, इस तरह की गलत तैयारियां बहुत यहाँ पे घूम रही है। कहते गए थे हम कभी नहीं सोच सकते कि शाहीन बाग की कोई भी बहन या कोई भी भाई कोई भी गलत तरीके से कोई कदम उठाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। जो इतनी शांति से आप लोग बैठे हो इतने दिन तक, आप उसके कोई इस तरह का हादसा नहीं करोगे, हमें मालूम है। तो सवाल ये है कि हम इस गलत फहमियों में और अफवाह में बहना चाहते हैं या हम सही नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।